नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल ने हमास को जो पैगाम भेजा था उस पर चर्चा करने के लिए हमास के नेता इस्माइल हानिया मिश्र की राजधानी काहिरा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इजराइल गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है और उसने इसके लिए हमास को एक प्रस्ताव भेजा है। इजराइल की तरफ से कतर को यह बता दिया गया है कि वो युद्ध विराम के लिए हमास के साथ एक नया समझौता करना चाहता है। इजराइल की तरफ से ये प्रस्ताव ऐसे समय पर भेजा गया है जब दुनिया भर के देशों के साथ साथ इजराइल के भीतर भी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल ने हमास को ये पैगाम भेजा है कि वो 40 बंधकों की रिहाई के बदले एक हफ्ते के लिए युद्ध विराम के लिए तैयार है। इजराइल ने हमास को ये प्रस्ताव कतर के जरिए भिजवाया है, जबकि कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने बताया है कि फिर से बातचीत करने के लिए हमास की पहली शर्त जंग को खत्म करना है। हमास एक हफ्ते के युद्ध विराम के बजाय पूरी तरह से जंग को रोकने की बात कर रहा है। हमास के चीफ गाजा में युद्ध विराम और इसराइल के साथ कैदियों की अदला बदली पर चर्चा करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिश्र की राजधानी काहिरा पहुंच चुके हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में हमास के कई बड़ी नेता शामिल हैं। हानिया और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मिश्र में कई बैठकें करेंगे। हमास का ये प्रतिनिधि मंडल विशेष रूप से मिश्र के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल के साथ बातचीत करेगा। इस चर्चा में कैदियों की अदला बदली की तैयारी और युद्ध को रोकना, गाजा पट्टी में इजरायली सेना की घेराबंदी को खत्म करना, गाजा में मानवीय सहायता शुरू करना और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी पर बातचीत की जाएगी। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायल हमास के साथ समझौते के लिए तैयार है, हालांकि वो जानता है कि समझौते के साथ उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन और हुती विद्रोहियों से जुड़ी एक खबर और है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। दरअसल अमेरिका ने लाल सागर में हुतियों से निपटने के लिए 8 देशों का एक सैन्य गठबंधन बनाया था। अब इस गठबंधन को हुती रक्षा मंत्री ने खुली धमकी दे डाली है। हुती रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर यमन पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हमला किया तो वो लाल सागर को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कब्रिस्तान बना देंगे। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने लाल सागर में इजराइल आने जाने वाले जहाजों को हुतियों के हमले से बचाने के लिए एक नौसेना गठबंधन की घोषणा की थी। उस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद है जो आपके जंगी बेड़ों, जहाजों और पनडुब्बियों को डुबा सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यमन पर हमले की हिमाकत की तो हम लाल सागर को उनका कब्रिस्तान बना देंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।